पंजाब को एक चाहिए जो लीडर जिसके पास थोड़ी सी सहन शक्ति हो, जो स्थिर चले, काम चले, ऐसा नहीं चाहिए कि आज इससे लड़ पड़ा कल उससे लड़ पड़ा, एक सहज वाला बंदा चाहिए। रील पे बहुत कुछ दिखाते हैं, रील में तो कारें भी उड़ती दिखाई जाती हैं पर कारें असल में उड़ती नहीं है, तो वैसे भी पंजाब वैसे उड़ नहीं रहा है जैसे कि फिल्मों में दिखाया गया। लग रहा है कि इस बार झाड़ू फिर सकता है यहाँ पंजाब में, मिलना चाहिए, नए को मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं आता आलो आहे पंजाबमध्ये चंदीगढ़ युनिवर्सिटीमध्ये। इथं स्टूडंट सेंटर बिल्डिंग आहे, या स्टूडंट सेंटर बिल्डिंगमध्ये आपण काही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहोत की ते पंजाबच्या निवडणुकीकडे कशा पद्धतीने बघतायत। माझ्याबरोबर आहेत आत्ता लॉचे काही स्टुडंट्स आहेत, या लॉच्या स्टुडंटबरोबर आपण गप्पा मारणार आहोत। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी। ये अभी पंजाब की इलेक्शन देश में बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, इस इलेक्शन के में आप वोटर हैं, आप अपना वोटिंग राइट भी यूज़ करने वाले हो, तो ये आप इलेक्शन की तरफ किस तरह से देखते हैं, इस इलेक्शन में इश्यूज़ क्या रहेंगे? इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं पंजाब में जिसके साथ पंजाब इस समय डील कर रहा है। जैसे मेन इशू है एजुकेशन, आज पंजाब का जो यूथ है वो पंजाब की एजुकेशन छोड़ के जो हायर एजुकेशन है कॉलेजेस की, वो बाहर की तरफ अपना रुख कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बड़े वादे कर रहे हैं कि हम आईलेट्स कराएंगे, और जिसे हम बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, ये कोई अच्छी बात नहीं कि आईलेट्स कराई जाएगी सरकार के द्वारा, बल्कि सरकार को ये करना चाहिए कि वो बच्चों को ऐसा वो करें कि वो यहाँ पे रहना पसंद करें, ना कि उनको उत्सुक करें कि वो बाहर जाएं। आप क्या कहेंगे? ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए ये कदम उठाने ज़रूरी हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पंजाब में क्रिएट हो, पंजाब का ब्रेन पंजाब में यूज़ है। और ऐसा कहा जाता है पंजाब में नारकोटिक्स बहुत इस्तेमाल होता है, जैसा उड़ता पंजाब ये मूवी भी आई थी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? वो प्रॉब्लम है यहाँ पे लगता है? रील और रियल में हमेशा फ़र्क होता है, जो रील पे दिखाया जाता है और जो ग्राउंड पे रियल में रियलिटी होती है वो हमेशा अलग रहती है। रील पे बहुत कुछ दिखाते हैं, रील में तो कारें भी उड़ती दिखाई जाती हैं पर कारें असल में उड़ती नहीं है, तो वैसे भी पंजाब वैसे उड़ नहीं रहा है जैसे कि फिल्मों में दिखाया गया। एक ऐसा है, फिल्मों वालों की आदत होती है जी, कोई मुद्दा दिखे तो उसे कैश करने का, वो कैश करने के चक्कर में वो देखते नहीं कि किसी का घर कैसे जल रहा है या कुछ होता है, वो अपने वो नोट छापने की देखते हैं। ये इलेक्शन में आपको क्या लगता है सरकार में बदलाव आएगा, हो सकता है, पॉसिबल? चेंजेस तो आएंगे जरूर, चेंजेस द लॉ ऑफ द नेचर। या चेंजेस तो कौन सा पार्टी बदल जाएगा, जो अभी रूलिंग पार्टी है वो जाकर दूसरी कोई नई पार्टी आएगी? देखो वो तो इलेक्शंस के बाद रिजल्ट आएगा। लग रहा है कि इस बार झाड़ू फिर सकता है यहाँ पंजाब में, मिलना चाहिए। इलेक्शन में आपको क्या लगता है सरकार में बदलाव आएगा, हो सकता है, पॉसिबल? चेंजेस तो आएंगे जरूर, चेंजेस द लॉ ऑफ द नेचर। या चेंजेस तो कौन सा पार्टी बदल जाएगा, जो अभी रूलिंग पार्टी है वो जाकर दूसरी कोई नई पार्टी आएगी? देखो वो तो इलेक्शंस के बाद रिजल्ट आएगा, बट इट डिपेंड्स। लग रहा है कि इस बार झाड़ू फिर सकता है यहाँ पंजाब में, मिलना चाहिए, नए को मौका मिलना चाहिए, नए को। तो आम आदमी पार्टी के बारे में आप कह रही है जी? और आपको बहुत सारे यूथ आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उसके वजह क्या लगती है आपको? सर, दे आर फोकसिंग ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। यस, किसी भी सोसाइटी को तरक्की करने के लिए ये दो सबसे जरूरी चीजें हैं, चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो हेल्थ केयर है। अगर ये दोनों चीजें किसी जगह पे प्रॉपर मिल रही है तो वो सोसाइटी बहुत आगे तक चलती है। बट जैसा कि हम देखते हैं, अगर हेल्थ केयर या एजुकेशन दोनों में से एक चीज़ भी अच्छी नहीं है तो वो सोसाइटी धीरे धीरे डेरोगेट होनी स्टार्ट हो जाती है। आके ये इलेक्शन के बारे में एक जगह सिविक इश्यूज की बात कर रहे हैं हम, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इश्यूज भी आ रहे हैं। जैसे आपको मालूम है नवजोत सिंह सिद्धू है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, चरणजीत सिंह चन्नी है और प्रकाश सिंह बादल भी है, ये पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल के बारे में तो यही कहेंगे जी कि नए को मौका मिलना चाहिए। जैसे सिद्धू साहब हैं हमारे, वो थोड़े एक ऐसा है कि जो हर वक्त नाराज रहते हैं, वो भी घर नहीं चला सकता। वो अच्छे क्रिकेटर थे लेकिन अच्छे पॉलिटिशियन है क्या? नहीं है, एक बंदा पाकिस्तान को देख लो, क्रिकेटर ने क्या किया वहाँ। जैसे इमरान खान के बारे में आप कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो ऐसा है कि जो हंसाता अच्छा उसको देश नहीं दे सकते, सिर्फ वो हंसाता है, उसकी जो सोच है उतनी। जैसे मनमोहन सिंह जी थे, उनमें कला थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर अच्छे थे और उसमें उन्होंने जो देश को दिया है वो सबको पता है। अगर वो हंसाते नहीं थे तो हमें हमारी ज़िंदगी में वैसे खुशी थी,
ऐसा नहीं था कि वो हंसाते थे और जेब में हमारी खुशी जा रही थी, वो चीज़ जरूरी है। और जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है वो भी एक कॉमेडियन है, तो एक कॉमेडियन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिशियन बन सकता है। सर उनका काफ़ी टाइम रहा भी है पॉलिटिक्स के लिए, वो संगरूर की सीट से भी जो है एमपी रहे हैं, तो उनके पास एक ना एक बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स का काफी अच्छा। दूसरी बात मेन है कि वो डेडिकेटेड है, उनकी लोकसभा की डिबेट्स, उनकी लोकसभा की स्पीचेस आराम से ये प्रूव कर रही हैं कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। पंजाब को एक चाहिए जो लीडर जिसके पास थोड़ी सी सहन शक्ति हो, जो स्थिर चले, काम चले, ऐसा नहीं चाहिए कि आज इससे लड़पड़ा कल उससे लड़पड़ा, एक सहज वाला बंदा चाहिए। सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।